अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, इस पर मैंने सीफोजी निकाला था। अब हम बंगाली कलर बनाएंगे। बंगाली कलर के लिए हम सबसे पहले फ्रोजी लेंगे 40 ग्राम, और 40 ग्राम ब्लू ले लेंगे। चालीस चालीस 80 ग्राम हो जाएगा, ज़्यादा हो गया, 80 ग्राम कर दो। पिछासी कर देना बल्कि, बस सही है, 85। 45 ग्राम ब्लू ले लिया, बाकी इसको हम डालेंगे कलर को। इसको अच्छी तरीके से हिलाएंगे, हिलाने के बाद फिर शेड चेक करेंगे बंगाली का, जिस चीज़ की कमी पेशी होगी वो चीज़ देंगे। इसका टेम्परेचर तकरीबन 95 डिग्री है। अब इसकी टून चेक करेंगे, बंगाली बंगाली का शेड देखें आप, तकरीबन सही है। अब इस फैब्रिक को डालेंगे, तो अच्छी तरीके से चाल लगाएंगे ताकि कोई फैक्टिंग ना आए। इससे पहले हमने सीफ्रोजी निकाला था, सीफ्रोजी का शेड दिखाते हैं हम आपको। ये हमारा सीफ्रोजी का शेड निकला है, और इसके बाद हम ये जंगाली निकाल लें। तो अच्छी तरीके से हिलाएंगे, क्योंकि इसमें फिक्सल लगा हुआ होता है कपड़े पर, सबसे पहले फिक्सल लगाया जाता है। फिक्सल लगाने के बाद फिर फ्रोजी कलर चढ़ाया जाता है, डायरेक्ट का ब्लू तो चढ़ जाता है, फ्रोजी कलर नहीं चढ़ता। फ्रोजी कलर चढ़ाने के लिए फिक्सल लगाया जाता है इसका। फिक्सल कैसे लगता है, फिक्सल इस तरीके से लगेगा आपका। आप फिक्सल ले लें, इसका तकरीबन 1 किलो फैब्रिक पे 50 ग्राम फिक्सल ले लें। 1 किलो फैब्रिक पे 50 ग्राम फिक्सल लेके पानी में हल कर लें। हल करने के बाद फिर फैब्रिक को डाल लें, एक घंटे के लिए स्प्रे कर दें। एक घंटे के बाद फिर हेड्रो करके फिर इसको इस जो अभी डाइंग कर रहे हैं इस तरीके से डाइंग कर लें। पहले से फिक्सल लगा के रखा हुआ था हमने इस पर। आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, फिक्सर किस तरीके से लगता है, उसमें पूरा प्रोसेस है फिक्सर लगाने का। ये हमारा बंगाली कलर तैयार हो गया है। इस पर भी पुरानी वीडियो की तरह मेरी हेड्रो होगा, हेड्रो होने के बाद फिर सफाई पे जाएगा, फिर कैलेंडर होगा,
फिनिशिंग होती है कैलेंडर का। बाकी मेरी इसी तरीके की वीडियो आप देखते रहे, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके।